नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर का करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। दोस्तों गुड मॉर्निंग यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बोलो कैसे हो फ्रेंड्स। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और वो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इन शॉर्ट ई ट्यूब। फ्रेंड्स जब भी हम कभी इमरजेंसी में वर्क करेंगे और हॉस्पिटल के अंदर जब आप रिससिटेशन में या रेस्पिरेटरी में और या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब भी आप वर्क करेंगे तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के पेशेंट्स आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे। अक्सर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन उन क्लाइंट्स को किया जाता है जिनको वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्रिएट करते हैं और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के द्वारा हम पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करेंगे। तो फ्रेंड्स यही एक प्रोसीजर जो एग्जाम पर्पस से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है, और यदि अगर मैं कहूँ कि क्लिनिकल पर्पस से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो क्लिनिकल पर्पस से भी ये एक बहुत ही बेहतरीन और काफी ज्यादा यूजफुल और पॉपुलर प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स इसे आपके लिए और हमारे लिए, आप सबके लिए सीखना काफी महत्वपूर्ण रखता है, बहुत वैल्यू रखता है, तो काफी जरूरी है आप सबके लिए इसे सीखना। इवन आप डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं, दैट इज नॉट मैटर। यदि अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेशन से हैं तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर यू। अंडरस्टैंड गाइस? सो बी रेडी टू लर्न दिस टॉपिक। आर यू रेडी? यस और नो? अरे भाई बोलो। सेकेंड थिंग गुड न्यूज इज दैट कि आपका मेजर टेस्ट थर्ड का रिजल्ट आ चुका है, और इससे पहले वाला जो यूनिट वाइज टेस्ट हुआ था, टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था, रीस्टेंट वाला, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। फ्रेंड्स रिजल्ट आपके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, एप्लीकेशन पर, वुगली ऐप पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में एक फोल्डर बना हुआ है वुगली टेस्ट रिजल्ट के नाम से, और उसमें सारे टेस्ट के रिजल्ट अपलोड किए हुए हैं। दूसरा आपका जो चैट पैनल है, चैटिंग जिसमें आप लोग करते हैं, आपका ग्रुप बैच जिसमें ऐड है, उस बैच के चैटिंग सेक्शन में भी आपके दोनों रिजल्ट डाले हुए हैं। तो क्लास के बाद आप अपनी रैंक भी देख सकते हो, आप अपना रिजल्ट देख सकते हो और सारे बच्चों के साथ एनालाइज करके ये देख सकते हो अपने आप को कि आपकी रैंकिंग क्या चल रहा है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। क्लियर है गाइस? देखिए सबसे पहले मैं आपको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, और इस ट्यूब में यहाँ पर एक बलून होता है, कफ होता है, जो इस ट्यूब को ट्रेकिया में फिक्स करता है। ये जो दिखाई दे रहा है पार्ट, ये है अडप्टर फॉर कनेक्टिंग O2 सोर्स। O2 सोर्स से कनेक्ट करने के लिए इस ट्यूब में ये एक अडेप्टर होता है। अस्टेन गाइस, यहां पर वाल्व कनेक्शन टू एयर, वाल्व कनेक्शन टू एड एयर, ये है सिरिंज, और इस सिरिंज के माध्यम से, इस वाल्व से होते हुए हम एयर फिल करेंगे। एयर फिल करते ही और ये कफ फूल जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, और जैसे ही कफ इन्फ्लेटेड होता है तो ये ट्रेकिया में फिक्स हो जाती है। इसकी वजह से एक्सटूबेशन नहीं होगा, यानी कफिंग करता है क्लाइंट या स्नीजिंग करता है तो उस समय हमें डर होता है कि कहीं कफिंग और स्नीजिंग की वजह से ट्यूब बाहर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स इसी कारण से इस ट्यूब को फिक्स करने के लिए ये कफ होता है, जिसको हम इस पायलट वाल्व से होते हुए, एयर पुश करते हैं, और एयर पुश करके इस कफ को इन्फ्लैट कर देते हैं। अगर आपको प्लेस करने के बाद, ट्यूब लगाने के बाद इसको ट्रेकिया में दिखाया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये ट्यूब है दोस्तों, ये वाली ट्यूब है, और ये है ट्रेकिया पाइप। इस ट्रेकिया के अंदर ये इन्फ्लेटेड किया हुआ कफ है, जिसको
और यहां पर ये जो कफ दिख रहा है ये डिफ्लेटेड कफ है, तो कुछ इस तरह का अपियरेंस होता है। हमेशा की तरह ही एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के 3 क्वेश्चन मैं आज के इस क्लास के अंदर आपसे शेयर करूंगा, और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के टेस्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड गाइस, तो तीनों क्वेश्चंस मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने, आपको आते हैं तो आप जवाब दीजिएगा, और फिर इनके जो रैशनल है सोल्यूशन है वो आपको आज के टेस्ट के अंदर दे दिए जाएंगे तीनों क्वेश्चंस के। तो देखिएगा, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 प्री टेस्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विद एंडोट्रेकियल ट्यूब हैज अनइक्वल ब्रीथ साउंड इवन आफ्टर बीइंग सक्शनड एंड रिपोजिशन, नर्सिंग इंटरवेंशन इज इंडिकेटेड एट दिस टाइम। फ्रेंड्स, हमसे कहा जा रहा है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जिसको लगा हुआ है उस पेशेंट को अनइक्वल ब्रीथ साउंड आ रहे हैं, कभी नॉर्मल, कभी छोटे, कभी शेलो, कभी डीप। इवन आफ्टर बीइंग सक्शन, आपने सक्शन भी कर दिया जबकि, और उसको रिपोजिशन करके भी देख लिया है, तो आपसे कहा जा रहा है विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज इंडिकेटेड एट दिस टाइम, तो इस समय कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आपको करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट नीड बोथ द ट्रेकिया एंड ओरल फेरिंग सक्शन। ट्रेकिया और ओरल फेरिंग सक्शन करना है, इन विच ऑर्डर शुड द नर्स सक्शन दीज एरियाज एंड वाई, प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर। अस्टेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेस द स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग एन ओरल एंडोट्रेकियल ईटी ट्यूब, ओरल एंडोट्रेकियल ईटी ट्यूब विद टैप इन द करेक्ट ऑर्डर आफ्टर कंप्लीटिंग द सक्शनिंग। दोस्तों, सक्शनिंग करने के बाद आपसे कहा जा रहा है स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब। ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब को किस तरह से टेप के माध्यम से सिक्योर किया जाता है उसकी स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। अस्टिल, तो जस्ट यू नीड टू सिक्योर द स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको एक बार रीड कर लीजिए आप, और आप आंसर करने की कोशिश करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका। आपसे कहा जा रहा है टेप से आपको सिक्योर करना है ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब को, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होती हैं और किस प्रकार से हम इसको सिक्योर करते हैं। क्लियर है? हो गया? चलिए मैं आपको इनके सॉल्यूशन अभी बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी, स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब विद द टेप इन द करेक्ट ऑर्डर आफ्टर कंप्लीटिंग द सक्शनिंग। फ्रेंड, सक्शनिंग करने के बाद जब ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब को टेप के माध्यम से सिक्योर किया जाता है तो उसकी क्या स्टेप्स होती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानिए, सबसे पहला स्टेप होता है अप्लाई क्लीन ग्लव्स। तो पहली स्टेप में हमें क्लीन ग्लव्स पहनना होता है। सेकेंड स्टेप, इंस्ट्रक्ट द हेल्पर टू अप्लाई पेयर ऑफ ग्लव एंड होल्ड द ईटी ट्यूब फर्मली इट पेशेंट लिप्स और नेयर्स। सेकेंड स्टेप में आप क्या कहेंगे, जो आपके पास हेल्पर है, असिस्टेंट है, वो उसको कहना है कि ग्लव्स पहन करके और आपको इस ईटी ट्यूब को फॉर्मली लिप्स और नायर्स के यहाँ क्लोजली इस तरह से करके होल्ड करना है, पकड़ना है। अंडरस्टैंड? थर्ड स्टेप में रिमूव ओल्ड टेप फ्रॉम द पेशेंट फेस। पेशेंट के फेस से ओल्ड टेप को रिमूव करें। देन रिमूव एनी सिक्रेशन। देन फ्रेंड्स, यदि अगर कोई सिक्रेशंस है तो नंबर 4 स्टेप में सिक्रेशंस को रिमूव किया जाता है। और फाइनली कट पीस ऑफ द टेक टैप लॉन्ग एनफ टू गो कंप्लीटली अराउंड द पेशेंट हेड फ्रॉम नेरिस टू नेरिस प्लस
15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच। तो नंबर फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, टेप का पीस कट करना है, इतना कट करना है कि उसके हेड के पीछे से पूरा राउंड घूम सके, और उसमें प्लस 15 सेंटीमीटर या 6 इंच आपको लेना होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला होगा 2, 5, देन उसके बाद 1, 4, 3। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। अस्टिन, नेक्स्ट था हमारे पास, अ पेशेंट नीड बोथ द ट्रेकिया एंड द ऑरल फेरिंग सक्शन, इन विच ऑर्डर शुड द नर्स सक्शन दीज एरियाज एंड व्हाई, प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर। दोस्तों, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रेकिया, एक तो ऑरल फेरिंग्स और ट्रेकिया दोनों को सक्शन करना है। तो आप करेक्ट ऑर्डरिंग में कैसे सक्शन करेंगे, क्या सक्शन का ऑर्डर होगा? तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि ओरल कैविटी और ट्रेकिया को अगर कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो ओरल कैविटी इज मोर कंटामिनेटेड देन द ट्रेकिया। अस्टिल, तो सिंपली यदि हम कहें तो ट्रेकिया इज द लेस कंटामिनेटेड। अस्टिल, जबकि ओरल कैविटी इज द मोर कंटामिनेटेड, ओरल कैविटी मोर कंटामिनेटेड होती है कंपैरेटिव टू ट्रेकिया। अस्टिल, तो हम हमेशा जब कभी भी सक्शन करें, और अगर आपसे सक्शन करने की सीक्वेंस पूछी जाए तो याद रखना, सक्शन हमेशा लेस कंटामिनेटेड को फर्स्ट करें, लेस कंटामिनेटेड फर्स्ट, देन मोर कंटामिनेटेड लास्ट। अस्टेंड दोस्तों, तो लेस कंटामिनेटेड एरिया को पहले सक्शन किया जाता है और मोर कंटामिनेटेड एरिया को बाद में सक्शन किया जाता है। अब लेस कंटामिनेटेड कौन सा है, तो ट्रेकिया है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में, सक्शन नेजोट्रेकियल फर्स्ट, वेरी गुड। तो सबसे पहला सक्शन हम करेंगे दोस्तों थर्ड नंबर को, अस्टिल। देन उसके बाद हमसे कहा जाए लेस कंटामिनेटेड लास्ट, तो सक्शन द ओरल कैविटी लास्ट, दैट इज द राइट ऑप्शन। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड ऑप्शन देन उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आर द राइट आंसर। दिस इज द राइट सीक्वेंस फॉर डूइंग द सक्शन इन द पेशेंट। क्लियर, 3:1। नेक्स्ट हमारे पास था, A patient with an endotracheal tube has unequal breath sound even after being suctioned or repositioned. हमसे कहा जा रहा है कि patient को unequal breath sound से और endotracheal tube इसे लगा हुआ है और आपने intervention के तौर पे इसको reposition भी करके देख लिया और आपने इस patient को क्या कर दिया, आपने इस patient को suction भी कर दिया है, but unequal breath sounds are not resolved. Then what you need to do? Then which nursing intervention is indicated at this time? So at this time you need to only notify the healthcare provider. So the first option is right answer in this question. Clear hai guys? वैसे तो मैंने ये मुझे solve नहीं करवाने थे, understand? अभी तो मैं solve करवा रहा हूँ, but future के लिए याद रखिए, future में जो procedures आएंगे उनमें मैं pre-test आपको solve नहीं करवाऊंगा। ये प्री टेस्ट आपको टेस्ट पेपर के अंदर ही मिलेंगे और उसमें आपको इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अस्टिन, तो ये तीनों क्वेश्चन आज तो मैंने आउट कर दिए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन टेस्ट में फिर से दोबारा अभी आपको मिलेंगे। आज के टेस्ट में तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? वहीं से मैंने इन क्वेश्चन को लिया था। पेपर आउट हो गया है आई थिंक, यस और नो, क्लियर है? ये एस्पिरेंट ईटीसी, इसको बताओ सक्शन से क्या होगा। बाकी आप लोग बताओ किसको आता है, जिसको जो आता है वो बता दिया करो एक दूसरे को, ठीक है? इस ईटीसी वाले बालक को बताओ सक्शन से क्या होता है, और क्लास जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, लेक्चर शुरू होने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में
यहां पर इस बैलून को हम कहते हैं जिससे हम कफ को इन्फ्लेट करते हैं ना, कफ इन्फ्लेशन के लिए, ये कफ है और कफ इन्फ्लेशन के लिए जो बैलून होता है, कनेक्टर होता है, इसको पिलॉट बलून कहते हैं और इसे पिलॉट ट्यूब कहा जाता है अस्टिन। और ये टेक ऑफ पॉइंट यहां से होता है दोस्तों, जहां तक इस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जहां तक इस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे वो टेक ऑफ पॉइंट कहलाता है। यहां पर एक नॉच होती है, सी नॉच। इस सी नॉच के माध्यम से इसकी लेंथ को मेजर करके और फिक्स कर दिया जाता है। तो सी नॉच जो होता है ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। अंडरस्टैंड दोस्तों, बताता हूं कुछ इंट्रोडक्शन, आइए जानते हैं। इंट्रो जानेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। एंडोट्रेकियल ट्यूब आर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब प्लेस इन द माउथ और थ्रू द नोज। दोस्तों ये ट्यूब माउथ से या फिर नोज के थ्रू इंसर्ट किया जा सकता है एंड एडवांस डाउन इनटू द ट्रेकिया। और फाइनली कहां पर इसे प्लेस करते हैं, ट्रेकिया में, टू एस्टैब्लिश द शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल एयरवे। दोस्तों याद रखिए, ये एक शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल एयरवे होता है। यदि अगर किसी को लॉन्ग टर्म एयरवे की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको ट्रेकियोस्टॉमी करेंगे। अस्टीन, टू एडमिनिस्टर द मैकेनिकल वेंटिलेशन, रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल वेंटिलेशन के पर्पज से भी इसे किया जाता है, या फिर रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सपायरेशन, या क्लियर द सिक्रेशन, और रूटीन केयर मेंटेन करेक्ट पोजिशन ऑफ द ट्यूब और गुड हाइजीन। यदि आपसे कहा जाए फ्रेंड्स कि जिस क्लाइंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो रहा है, व्हाट आर द पॉइंट्स इन रूटीन केयर, रूटीन केयर के क्या पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे क्लाइंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन द रूटीन केयर करेक्ट पोजिशन ऑफ द ट्यूब। तो पहली बात होती है रूटीन केयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, तो पहला रूटीन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है करेक्ट पोजिशन ऑफ द ट्यूब, और दूसरा होता है दोस्तों गुड हाइजीन। अंडरस्टैंड, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, समय समय पर सिक्रेशन को सक्शन करते रहना, समय समय पर पेशेंट को ब्रशिंग वगैरह करना, गम्स क्लीन करना, टूथ क्लीन करना। अंडरस्टैंड, ये ओरल हाइजीन से ताकि इंफेक्शन ना फैल जाए। अंडरस्टैंड गाइस, तो सिंपली यू नो दैट इज अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब और प्लेस थ्रू द माउथ और या फिर नोज, कहां तक, अप टू द ट्रेकिया। इट इज अ शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल एयरवे जस्ट ड्यू टू द एडमिनिस्टर मैकेनिकल वेंटिलेशन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विल बी रिलीव्ड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एस्पिरेशन, क्लियर द सिक्रेशंस। जस्ट व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर द रूटीन केयर, तो जस्ट करेक्ट पोजिशन ऑफ द ट्यूब और गुड हाइजीन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूटीन केयर इंस्ट्रक्शंस। प्रॉपरली सिक्योरिंग एन ईटी ट्यूब प्रिवेंट्स द इंसिडेंटल एक्सट्यूबेशन फ्रॉम कफिंग और पुलिंग ऑन द ट्यूब। फ्रेंड्स याद रहे, कफिंग की वजह से या फिर पुलिंग ऑन द ट्यूब, तो कफिंग के कारण ट्यूब बाहर आ सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिंग करना होगा। Additional risk of the movement of artificial airway are the tracheal stenosis, tracheomalacia, erosion of the innominate artery and tracheoesophageal fistula, particularly when the cuff is overinflated. Friends, याद रहे कि यदि अगर आप कफ को ओवर इन्फ्लैट कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? तो क्वेश्चन बड़ा ही ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली काफी यूजफुल क्वेश्चन है और ज्यादातर आजकल एग्जाम्स के अंदर क्लिनिकल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड, तो सिंपली हमसे कहा जा रहा है इफ वी ओवर इन्फ्लैट द कफ, यदि हम कफ को ओवर इन्फ्लैट कर दें तो देखिए क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस होने की संभावना होती है, ट्रेकियोमेलेसिया हो सकता है। अंडरस्टैंड गाइस, इरोशन ऑफ द इनोमिनेट आर्टरी, इनोमिनेट आर्टरी का इरोशन हो सकता है, इनोमिनेट आर्टरी डैमेज हो सकती है, एंड द ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला, ट्रेकिया और इसोफेगस के अंदर फिस्टूला भी क्रिएट हो सकता है,
बिकॉज ये ट्रेकिया एंटीरियर और इसके पोस्टीरियर में है, इसोफेगस दोनों के बीच फिस्टूला यानी ओपनिंग क्रिएट हो सकती है। दोस्तों ट्रेकियो मलेशिया क्या होता है? ट्रेकिया का हार्डनिंग हो जाना ट्रेकियो मलेशिया है। ट्रेकियल स्टेनोसिस क्या है? तो जस्ट ट्रेकियल हमने कहा इम्प्रॉपर ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज द स्टेनोसिस ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला, और आपको मैं बता देता हूं इनोमिनेट आर्टरी किस आर्टरी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहां से देखिएगा, ये होता है एवोर्टिक आर्च, और एवोर्टिक आर्च से सबसे पहली ओरिजिन होने वाली आर्टरी जिसका नाम है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। क्या नाम है? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। अंडरस्टैंड गाइस, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी को ब्रेकियोसिफेलिक आर्च भी कहते हैं, और इसी को इनोमिनेट आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आर्टरी हमें दिखाई दे रहा है ये आर्टरी कहलाता है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, और इसी का नाम होता है इनोमिनेट आर्टरी। इस इनोमिनेट आर्टरी के अंदर इरोशन होने की संभावना होती है ईटी ट्यूब के कारण। ओवर इन्फ्लैट यदि कर दिया जाए तो इस आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा और इसमें इरोशन हो सकता है। तो याद रखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हो सकता है। अस्टेन नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। वंस अ ट्यूब इज इंसर्टेड कंफर्मेशन ऑफ द प्लेसमेंट इज अचीव्ड बाय यूजिंग द चेस्ट एक्सरे फिल्म और कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी भी एक रिलायबल मेथड है अस्टेन दोस्तों। तो कैप्नोग्राफी इज ऑल्सो अ रिलायबल मेथड फॉर असेसिंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब के करेक्ट प्लेसमेंट के लिए कैप्नोग्राफी भी एक बहुत ही अच्छा रिलायबल मेथड होता है। तो हम इसको ईटी ट्यूब को लगाने के बाद किस प्रकार से कंफर्म करते हैं राइट प्लेसमेंट को? तो फ्रेंड सबसे पहला एक्सरे और दूसरा कैप्नोग्राफी। आइए जानते हैं क्या होता है कैप्नोग्राफी। तो कैप्नोग्राफी इज अ नॉन इन्वेसिव मेजरमेंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड ब्रीदिंग। फ्रेंड्स एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 के पार्शियल प्रेशर को यानी PCO2 को आप क्या कहते हो? PCO2 इन एक्सहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर में PCO2 कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? कैप्नोग्राफी। तो व्हाट इज द कैप्नोग्राफी? तो कैप्नोग्राफी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बात समझ में आ गया था। आगे बढ़ता हूं। नॉर्मल कैप्नोग्राफी, दिस इज अ नॉर्मल कैप्नोग्राफी दैट हैज ऑल द फेज दैट आर इजीली अप्रोप्रिएट नॉट। तो दोस्तों यदि नॉर्मली कैप्नोग्राफी ग्राफ देखोगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो ये एक नॉर्मल कैप्नोग्राफी रिपोर्ट है जिसमें हम एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 के पार्शियल प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, तो यहां पर एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर देखा जाता है ग्राफ के द्वारा, इसे कहते हैं कैप्नोग्राफी। अंडरस्टैंड गाइस, ये हमें एबनॉर्मल कैप्नोग्राफी। एबनॉर्मल कैप्नोग्राफी में देखिएगा जो ग्राफ है इसके एक्सिस स्टार्टिंग में तो नॉर्मल है, फिर धीरे 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 छोटे होते जा रहे हैं, तो इसे एबनॉर्मल कैप्नोग्राफी कहा जाता है। वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया VAP जिसको कहते हैं दोस्तों, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया VAP occurred in the 10 to 20% of the ventilated patients who ventilated for the more than 2 days. याद रखना दोस्तों, जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा होता है और लगभग 2 दिन से ज्यादा समय एंडोट्रेकियल ट्यूब को हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में लगभग 10 से 20% केसेस में वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया हो जाता है। VAP is defined as developing after 48 hours following the intubation. इंट्यूबेशन के बाद
लगभग 48 आवर के अंदर अंदर वीएटी होने, वेंटिलेटेड वीएपी होने के चांसेस काफी अधिक होते हैं। तो याद रखिएगा, यदि कहा जाए एंडोट्रिकियल इंट्यूबेशन के बाद वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया कितने समय के अंदर अंदर हो सकता है, तो 48 आवर के बाद इसके होने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 48 आवर बोले तो 2 डेज। ओके गाइस, एलिवेट द हेड ऑफ बेड 230 से 45 डिग्री टू प्रिवेंट दी एस्पिरेशन। जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ है उसको 30 से 45 डिग्री हमें उसका हेड साइड एलिवेट करना है। चेंज द पेशेंट पोजीशन एवरी 2 आवर। जिसे ईटी ट्यूब प्लेस किया हुआ है उसका पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करना होता है। टू डिक्रीज द रिस्क फॉर द एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन, प्रेशर अल्सर, डिस्कम्फर्ट और यूरिनरी स्टेसिस। आइए जानते हैं, अब हम ये इंट्रोडक्शन के बाद अब पहुंच गए हैं हम प्रोसीजर की सीक्वेंस पे। तो सबसे पहला होगा दोस्तों डेफिनेशन, असिस्टिंग इन पासिंग ऑफ द सिलेंडर होलो ट्यूब इनटू द ट्रेकिया थ्रू नोज और माउथ यूजिंग द असेप्टिक टेक्निक टू फैसिलिटेट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और रीससिटेशन इज द कॉल्ड एज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। आइए जानते हैं क्या पर्पस होते हैं। चलिए अब सीखते हैं दोस्तों कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के पर्पस क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब हम बताएंगे आपको कि क्या पर्पस हो सकते हैं, किस पर्पस से एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टू ट्रीट द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि ARF, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को ट्रीट करने के पर्पस से किया जाता है। परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया, परसिस्टेंट राइज इन द PCO2, टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे, टू एंश्योर द एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, टू प्रोवाइड वेंटिलेशन असिस्टेंस व्हेन इंडिकेटेड। तो ऑल ऑफ दीज आर द पर्पसेस फॉर द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। आइए जानते हैं व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, फर्स्ट इन केस ऑफ द ईटी ट्यूब प्लेसमेंट कैन बी इंडिकेटेड व्हेन द सीएनएस डिप्रेशन यदि अगर होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हुआ, और यदि साथियों इसमें पॉन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा यदि अगर इंजर्ड हो जाता है, तो वी नो दैट इन दोनों लोकेशंस पर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर यदि अगर डैमेज हो गए तो इससे क्या होगा, लंग्स की इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो मसल्स हैं इन दोनों के अंदर मूवमेंट्स नहीं होंगे, और मूवमेंट्स नहीं होंगे तो इससे रेस्पिरेशन, नेचुरल रेस्पिरेशन रुक जाएगा। तो ऐसे केस में जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्लाइंट को देना होगा, और इसके लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज प्रेफर्ड। न्यूरोमस्कुलर डिजीज, यानी डायरेक्टली यदि अगर इस तरह का डिसऑर्डर हो जाए कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो जाए, सीएनएस को कोई इंजरी ना हो, चेस्ट वाल में इंजरी हो जाए या अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इन सब कंडीशंस में दोस्तों प्रेफर किया जाता है एयरवे, पेटेंट एयरवे मेंटेन करने के लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अरे भाई, बात तो समझ में आ रही है ना तुम लोगों को, सो गए क्या? अरे भाई बोलो, बात समझ रहे हो, क्लियर है बात? सुन रहे हो, सो गए क्या? हेलो, अरे भाई बोलो, कैसे तुम लोग बिल्कुल शांत हो रहे हो यार, थोड़ी हलचल चलने दो, मुझे लगता रहे वरना पता चले कि मैं खुद अकेला पढ़ा रहा हूं, तुम लोग सो गए शायद। ओके, एंटीसिपेटेड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एडिमा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ड्यू टू द हेड एंड नेक ट्रॉमा, पोस्ट ऑपरेटिव हेड एंड नेक सर्जरी, डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। फ्रेंड्स, इन सारे केसेस में भी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है। एंटीसिपेटेड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एडिमा के कारण और हेड और नेक इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी के कारण, डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, इन कंडीशन में भी ईटी ट्यूब प्लेस करते हैं। एस्पिरेशन प्रोफाइल एक्सिस, एस्पिरेशन प्रोफाइल एक्सिस के केस में भी करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में भी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है।
देन आर्टिकल्स जानते हैं क्या क्या चाहिए यदि हम क्लाइंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं तो कौन कौन से आर्टिकल्स की हमें आवश्यकता होती है। पहला हमें सैंड बैग चाहिए या टावल रोल हो, या तो सैंड बैग अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो टावल रोल से भी काम चला लेंगे। तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें हेड के नीचे इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा जब हम ट्यूब प्लेसमेंट करेंगे तब। सक्शन एपरेटस चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए, सक्शन कैथेटर 14 फ्रेंच वाला यहाँ पे यूज किया जाता है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्बू बैग और मास्क की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन सोर्स की चाहिए, देन लेरिंजोस्कोप चाहिए विद एप्रोप्रिएट साइज ऑफ ब्लेड। दोस्तों इसके लिए आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आर्टिकल्स को आपको काफी अच्छे से लर्न करना होगा। अस्टिन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ये है दोस्तों लेरिंजोस्कोप, और इसमें लाइट होती है इसलिए इसको लाइटेड लेरिंजोस्कोप कहते हैं। लाइटेड लेरिंजोस्कोप की जो ब्लेड्स होती हैं, इन ब्लेड्स की साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, एज के अकॉर्डिंग आता है। अस्टिन ये ईटी ट्यूब है, ये सिरिंज है, और ये है एयरवे। अस्टिन गाइस ये सक्शन एपरेटस है और ये सक्शन कैथेटर है। अस्टिन गाइस अलग अलग साइज के कैथेटर अवेलेबल होते हैं, और ये होता है एम्बू बैग, ये तो आप जानते ही होंगे काफी कॉमन इमेज है। तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट IBQs, ये इस प्रोसीजर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें मैगिल्स फोर्सेप चाहिए दोस्तों, मैगिल फोर्सेप, एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर प्रॉपर एप्रोप्रिएट साइज, स्टाइलेट की आवश्यकता होगी, जाइलोकेन जेल चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए 10 ml। मैगिल फोर्सेप जो होता है दोस्तों ये किस काम आता है, यूज टू गाइड द एंडोट्रेकियल ट्यूब इनटू द लैरिंजियल इनलेट ड्यूरिंग द नेसोट्रेकियल इंट्यूबेशन और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द एसोफेगस अंडर द डायरेक्ट। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्लेस द फेरिंजियल पैक एंड द रिमूवल ऑफ द रीजन बॉडीज। अस्टिन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में काम आने वाली इस फोर्सेप को कहते हैं दोस्तों मैगिल्स फोर्सेप, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन यदि आप करने जा रहे हैं तो किस तरह की फोर्सेप आप लेकर जाओगे, तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स मैगिल फोर्सेप। क्लियर है, ये सिरिंज है जानते होंगे आप, और ये स्टाइलेट्स हैं जिनकी, ये स्टाइलेट्स को गाइड भी कहा जा सकता है, ईटी गाइड जिसके माध्यम से ईटी ट्यूब को प्लेस किया जाता है, और ये आपको जाइलोकेन जेली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ओरल एयरवे, कॉटन टेप, डायनाप्लास्ट, डायनापास्ट भी कहते हैं, या स्टेराइल ग्लव और फेस मास्क, दीज ऑफ द आर्टिकल्स। क्लियर, देन ये है एयरवे एडजस्ट, ओरल एयरवे और ये नेजल एयरवे, दोनों को भी पहचानना। ये है ओरल एयरवे और ये नेजल एयरवे, बहुत आर इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पहचानना। क्लियर, आइए आप जानते हैं फ्रेंड्स प्रोसीजर के बारे में कि क्या प्रोसीजर होगा जब हम किसी क्लाइंट को ईटी प्लेसमेंट करने जा रहे हों। एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट यदि करना है तो बड़े ध्यान से देखना, पूरी सीक्वेंस को बड़े ध्यान से समझना, कंसंट्रेट प्लीज, ध्यान से देखिए, इधर काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगी, और आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। यदि मैं कहूं फिर से तो मैं यही बोलूंगा कि कोई सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे से प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, दिस प्रोसीजर इज वेरी यूजफुल, एंड टुडे दिस सुपर लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू। आपके लिए ये आज का सुपर लेक्चर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, और साथ के साथ ही आप टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि ये टेस्ट, देखो देखो दोस्तों मैं आपको कम से कम एक महीने के लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। बाद में मुझे मत कहना आप लोग कि सर अब टेस्ट कैसे दें, क्योंकि आपको समय निकालना है और आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर चिंतित रहना है। अस्टिन ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं जीवन भर एप्लीकेशन पे सब कुछ ओपन रख दूंगा, सब कुछ ओपन नहीं रखा जा सकता है। समझने की कोशिश करो बात को, क्योंकि कुछ चीजें बंद होगी तभी जाके नई चीजें आएगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी डिक्शनरी ओपन करके और मैं वुगली ऐप पे दे दूं आपको, अस्टिन, क्योंकि कुछ बंद होगा तभी कुछ नया आ पाएगा। हमेशा एक दिन, एक हर समय
एक जैसा नहीं होता है। इसलिए जिस समय जो एक्टिविटी आपको बोला जा रहा है उस समय वो एक्टिविटी करना जरूरी है। अंडरस्टैंड गाइस। ट्रेन आइए स्टेशन पे, आप बैठे तो अच्छी बात है, नहीं बैठे तो आप स्टेशन मास्टर को जाकर के ये मत कहना कि सर मैं तो बैठा ही नहीं, ट्रेन को वापस बुला लो। ट्रेन एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आती है, दूसरी ट्रेन का वेट करना होगा आपको। तो आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कितनी चिंता है, तो ट्रेन कब आएगी इसके लिए भी अलर्ट रहिए। बार बार स्टेशन पे जाके देखते रहो, सिग्नल देखते रहो, अनाउंसमेंट सुनते रहो। देन जब ट्रेन आए तो उसी समय सही समय पर सही सीट रोक करके ट्रेन में बैठना है, वरना दुनिया बैठ के चली जाएगी और आप स्टेशन पे खड़े खड़े ये देखते रहोगे कि ये ट्रेन आई, ये ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई। डिब्बे गिनना, डिब्बे गिनने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब ट्रेन में बैठना होगा, अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है तो मेरी इस बात को जीवन भर याद रखना तुम लोग। स्टेशन पे खड़े होने से सिलेक्शन नहीं होता है, कोशिश करके भीड़ में घुस करके ट्रेन में बैठने से सिलेक्शन होगा। स्टेशन पे खड़े खड़े डिब्बे गिनोगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। जो आपका गुरु आपको आदेश दे रहा है उसे फॉलो करना पड़ेगा यदि कुछ पाना है तो, अंडरस्टैंड। और नहीं पाना है तो फिर आपकी जिंदगी आपके पास है। मैं तो आपकी जिंदगी में अभी कुछ 4 दिनों से आया हूं, इससे पहले भी आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते थे और बाद की जिंदगी भी आप अपने तरीके से जी सकते हो। मेरा आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। यदि अगर आप मुझे मानते हो तो जो मैं डायरेक्शन आपको यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं वो डायरेक्शन आपकी लाइफ के अंदर लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है यदि मानते हो तो। और नहीं मानते हो तो आपकी लाइफ आपके पास पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। आप चाहें जैसे उसको खर्च करें, आपका टाइम है, आपका सब कुछ है, आप चाहें जैसे यूज करिएगा। मैं उसमें कोई इंटरफेयर या सजेशन देने वाला आपको कौन होता हूं। अंडरस्टैंड गाइस। तो सिंपली यदि अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली दिस विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो चलिए शुरू करता हूं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट इफ कॉन्सियस और गेट द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और रिलेटिव। हमेशा की तरह ही पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है और फिर उसके बाद आप उससे कंसेंट लेंगे। अंडरस्टैंड। प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन। याद रखिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए करेक्ट पोजिशन कौन सा होगा दोस्तों? सुपाइन पोजिशन विद द हेल्ड एक्सटेंडेड बाय कीपिंग सैंडबैग और टावल रोल अंडर द नेक। याद रहिए सुपाइन पोजीशन, और फिर हमने कहा कि नेक के नीचे उसको सैंडबैग या टावल रोल के द्वारा नेक को एक्सटेंडेड करना है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। तो याद रहिए सुपाइन और नेक विल बी एक्सटेंडेड टू प्लेस द सैंडबैग और टावल रोल बिहाइंड द नेक। हो गया क्लियर है यहां तक? पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से याद रखिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर। चेक फॉर द लूज टीथ, डेंचर और फॉरेन बॉडी इन द थ्रॉट, इफ सो रिमूव द विद द मैगिल्स फॉरसेप। आइए जानते हैं मैगिल फॉरसेप यहां क्या काम आएगा कि दोस्तों यदि अगर पेशेंट को कोई लूज टीथ है या फिर डेंचर लगा हुआ है तो याद रखना लूज टीथ या डेंचर को या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर थ्रोट के एरिया में है तो इसको आप मैगिल फॉरसेप के माध्यम से रिमूव करना है, वरना जैसे ही आप ईटी प्लेसमेंट करने के लिए ट्रेकिया को ओपन करोगे ये फॉरेन बॉडी कहां चली जाएगी? अंदर जा सकती है, याद रखना। तो अवॉइड द डेंजर ऑफ लूज टीथ और फॉरेन बॉडी कॉजिंग द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन अनकॉन्सियस पेशेंट। सील द माउथ एंड नोज विद द मास्क। अब आपको माउथ पे और नोज पे मास्क पहना देना है पेशेंट को। क्लियर है? याद रखना सुपाइन दिया, मैगिल से आपने रिमूव किया अगर ऐसा कुछ है तो, फिर उसके बाद माउथ पे नोज पे मास्क कवर कर दें और एम्बू बैग
और इनिशिएट द बैगिंग विद ऑक्सीजन। मास्क लगा दिया, मास्क लगा के एम्बू कनेक्ट कर दिया और एम्बू से आपको अब क्या करना है, बैगिंग शुरू करना है, ऑक्सीजन शुरू करना है। याद रखना सीक्वेंस को, पेशेंट आया, ईटी लगाना है, सुपाइन लेटा दिया, मास्क लगाया, माउथ और नोज कवर किया और एम्बू कनेक्ट करके बैगिंग शुरू कर दिया, ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दिया है। देन प्रोवाइड द लेरिंजोस्कोप टू द डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर के हाथ में आपको लेरिंजोस्कोप दे देना है। सक्शन करना है ऑरल कैविटी को और प्रोवाइड द लुब्रिकेट एंडोट्रेकियल ट्यूब विद द स्टाइलेट इन सिटू। ये ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर एक गाइड होता है, उसको स्टाइलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइलेट। और इसको आपको जाइलोकैन से क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। तो जाइलोकैन से लुब्रिकेट करके और इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को आपको क्या करना है दोस्तों, डॉक्टर को दे देना है। इसके अंदर स्टाइलेट भी होनी चाहिए, याद रखना इस वाली गलती को कहीं हम कर ना दें। प्रेस द क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज विद द थंब और इंडेक्स फिंगर अगेंस्ट द इसोफेगस। अब देखिए ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। अब जो पोस्टीरियर वाला एरिया है दोस्तों, उसमें इसोफेगस है और नेक एरिया में, अब हमें क्या करना है, इसोफेजियल एरिया जो होता है ट्रेकिया को कवर करने वाला एक कार्टिलेज होता है यहाँ पर, और इस कार्टिलेज का नाम होता है क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज। ये क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज ट्रेकिया को कवर करता है, तो प्रेस करके रखता है। तो इस क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज को हमें क्या करना है, प्रेस करना है। तो जस्ट कार्टिलेज विद द थंब और इंडेक्स फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर से आप क्या करें, इसको प्रेस करें, जिससे कि ट्रेकिया ओपन हो जाता है। परमिट्स द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द ओरोफेरिंक्स फॉर इंसर्शन। अंडरस्टैंड? तो क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा कार्टिलेज प्रेस किया जाता है, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। फॉर द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स फॉर इंसर्शन ऑफ द ईटी ट्यूब व्हिच कार्टिलेज विल बी प्रेस्ड। तो जस्ट क्रिको थायरॉइड कार्टिलेज विल बी प्रेस्ड। टू प्रेस द क्रिको थायरॉइड कार्टिलेज विच ऑफ द फॉलोइंग फिंगर्स विल बी यूज्ड। तो आपका जवाब होगा वी यूज थंब और इंडेक्स फिंगर। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, याद रखना काफी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके एम्स के एग्जाम के पर्पज से। ये देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि इस तरह का एनाटॉमी होता है यहाँ पर। ये है बॉनी ऑफ हायोड बोन, बॉडी ऑफ हायोड बोन। यहाँ इस लोकेशन पर हायोड बोन होता है जिससे कि टंग अटैच रहता है। ये है लेरिंजियल प्रोमिनेंस जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये एडम्स एप्पल होता है। एडम्स एप्पल यानी लेरिंग्स का प्रोमिनेंस पार्ट है, ये लेरिंग्स का पार्ट है, प्रोमिनेंस पार्ट, ठीक है। ये है दोस्तों क्रिकोइड कार्टिलेज। और अब मैं यहां पर एक और बात बताता हूं, इसको कहते हैं जुगलर नॉच। क्या कहते हैं? ये जो नॉच होती है ये जुगलर नॉच कहलाती है। इसका भी नाम याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, ये दिल्ली एम्स में पूछा जाएगा आपसे। डायग्राम बना करके पूछेंगे कि इसका नाम बताओ, जैसे दिल्ली एम्स ने एक बार पूछा ना कि ये वाला डायग्राम देखे कि इसका नाम क्या होता है, तो आपने कहा साहब ये एंटी क्यूबिटल फोसा है, वैसे ही दिल्ली एम्स अब ये वाला डायग्राम देगा और ये देखे आपसे कहेगा कि इसका नाम बताओ, तो आपको क्या कहना है, जुगलर नॉच इसका नाम है। ये एपिग्लॉटिस है, ये हायोड बोन, ये है दोस्तों थायरॉइड कार्टिलेज, और ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज को हमें प्रेस करना होगा, क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। असिस्ट व्हाई द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ट्रेकिया और रिमूव द स्टाइलेट। अब ट्रेकिया में एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट करके, ये इमेज बेस में पूछूंगा इसमें क्या किया जा रहा है, ऐसा पूछूंगा इससे। इस इमेज को देख करके आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, इन द गिवन फॉलोइंग प्रोसीजर द नर्स इज जस्ट असिस्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर। तो आपको कहना है ट्रेकियोस्टॉमी या एंडोट्रेकियल, तो आंसर होगा एंडोट्रेकियल ट्यूब में इसको असिस्ट किया जा रहा है। तो जस्ट द ट्यूब व्हेन इंसर्टेड शुड बी 22 सेंटीमीटर मार्किंग एट द इंसाइजर टीथ फिगर। याद रखना इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, तो जो इंसाइजर टीथ होता है, ये इंसाइजर टीथ से इसका मेजरमेंट करते हैं। तो इंसाइजर टीथ से लेकर के ट्यूब का लास्ट टर्मिनल पॉइंट है और इंसाइजर टीथ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुल होनी चाहिए 22 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड दोस्तों? तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब।
एंडोट्रेकियल ट्यूब का मेजरमेंट होता है 22 सेंटीमीटर मार्किंग एट द इंसाइजर टीथ। इंसाइजर टीथ तक ये कितनी होनी चाहिए? 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इसका करेक्ट प्लेसमेंट होगा। इससे क्या होगा? इससे ये ट्यूब एयरवे के करीना से, करीना क्या होता है? करीना है ना आपके अंदर? अरे आप सबके अंदर करीना है नहीं है? आप सबके अंदर करीना है। अंडरस्टैंड? ये देखिए एयरवे इस तरह से यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जहां से ये ब्रोंकस डिवाइड होता है इसको कहते हैं दोस्तों करीना। क्या कहा जाता है? तो जो ईटी ट्यूब होता है वो करीना से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर रखना है आपको। अंडरस्टैंड? तो करीना से 2 to 3 सेंटीमीटर अबो एंडोट्रेकियल ट्यूब रहता है, और इसकी जो डिस्टेंस आती है वो आती है लगभग 22 सेंटीमीटर कहां से? इस इंसाइजर टीथ से। अंडरस्टैंड? तो इंसाइजर टीथ से 22 सेंटीमीटर आपको रखना है। इस तरह से मेजरमेंट होगा। ये आपको दिख रहे होंगे, आप जो ये जो ब्लेड देख रहे हैं लेरिंजोस्कोप का, ये लेरिंजोस्कोप है कर्व्ड ब्लेड वाला, और ये वाला जो लेरिंजोस्कोप है दोस्तों ये है स्ट्रेट ब्लेड वाला लेरिंजोस्कोप। क्लियर? वेरीफाई द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब बाय द ऑस्कल्टेशन, लिसनिंग और फीलिंग फॉर द एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब, लिसनिंग और फीलिंग ऑफ एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब, और या फिर ऑब्जर्विंग फॉर द बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट। अंडरस्टैंड? बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट या फिर कैपनोग्राफी। अंडरस्टैंड? और या फिर चेस्ट एक्सरे। तो देखिएगा दोस्तों, राइट प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका हमारे पास ऑस्कल्टेशन होगा। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब, फीलिंग द एयर फ्लो और लिसन द एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब। ट्यूब से हवा आ रही है जा रही है, इसको फील करके भी इसके प्लेसमेंट को कंफर्म किया जा सकता है। या फिर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों तरफ चेस्ट के मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट ऑल्सो यूज टू कंफर्म द राइट प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। देन उसके बाद कैपनोग्राफी किया जा सकता है और इसका एक्सरे भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? भैया 10 मिनट में लेक्चर ले लू है ना? हाँ आउटर ऊपर है वो देख लो आप, 10 मिनट क्लास में फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट द एम्बू बैग विद द ऑक्सीजन अटैच टू द एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड कंटिन्यू बैगिंग। देन इन्फ्लेट द कप ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब विद 10 ml ऑफ एयर। अब यहां याद रखिए दोस्तों, एंडोट्रेकियल ट्यूब के कफ को इन्फ्लेट करने के लिए कितनी एयर पुश करनी होती है? तो 10 ml एयर हम इसमें पुश करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्लियर? देन फिक्स द एंडोट्रेकियल ट्यूब इन द पोजिशन बाय यूजिंग द एडेसिव टैप। ट्यूब शुड बी फिक्स एट द मिड लाइन टू प्रिवेंट द प्रेशर अल्सर। एंगल ऑफ द माउथ कनेक्ट टू द वेंटिलेटर इफ नीडेड। देन इस तरह से ट्यूब को हमें सिक्योर करना होता है बाय हाफ ऑफ द ट्यूब अपर लिप, और ये देखिए नेक के पीछे से हम राउंड करके पूरा ट्यूब सिक्योर करते हैं। तो ये ट्यूब का सिक्योरिंग आपको दिखाया जा रहा है। तो आपसे ये जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछूंगा, लैंग्वेज सुन लीजिएगा कि इन द गिवन फॉलोइंग इमेज द नर्स इज सिक्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब। कौन सी ट्यूब को सिक्योर करने के लिए ये जो इमेज है ये शो कर रहा है? तो आपको कहना है सर इन दिस इमेज द सिक्योरिंग द नर्स। अंडरस्टैंड? ये आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को सिक्योर किया हुआ है। आइए जानते हैं कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के कारण कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला लैरिंजियल और ट्रेकियल इंजरी हो सकती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकता है, डिपेंडेंस ऑन द आर्टिफिशियल एयरवे। आर्टिफिशियल एयरवे पे पेशेंट की डिपेंडेंस भी क्रिएट हो सकती है कि अब वो नेचुरली ब्रीदिंग करना ही बंद कर दे। अंडरस्टैंड?
आइए जानते हैं पोस्ट प्रोसीजर केयर में प्लेस द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जाएगा? पहला क्वेश्चन जवाब होगा लेटरल। अरेंज फॉर चेस्ट एक्सरे टू बी टेकन इन ऑर्डर टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब। तो दोस्तों कंफर्मेटरी अगर प्लेसमेंट पूछा जाए तो चेस्ट एक्सरे से हम कंफर्म करेंगे राइट प्लेसमेंट को, और अगर एक्सरे नहीं है तो कैपनोग्राफी भी फिर कंफर्मेटरी होता है। ओके, अप्लाई द एंडोट्रेकियल सक्शनिंग इफ सिक्रेशन आर प्रेजेंट। वॉच फॉर द चेस्ट मूवमेंट, ईटी ट्यूब किंकिंग, ऑब्स्ट्रक्शन विद द सिक्रेशन और ब्लड, लीकेज ऑफ द ट्यूब कफ, चेंज इन द पोजिशन ऑफ ट्यूब, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द कफ, डॉक्यूमेंट टाइप, साइज ऑफ द ट्यूब, चेस्ट मूवमेंट, वाइटल साइन, पेशेंट्स टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर, चेक द एबीजी पीरियडिकली। स्पेशल पॉइंट देखिए दोस्तों, चेक कफ प्रेशर यूजिंग द मैनोमीटर। अब आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के कफ का प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो मैनोमीटर से प्रेशर को मेजर कर सकते हो, जैसा कि हमने आपको सीवीपी मेजर करना सिखाया था मैनोमीटर की मदद से। एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्रेशर भी मैनोमीटर से ही मेजर किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द अंडर इन्फ्लेशन और ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द कफ। अंडर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन को चेक किया जा सकता है। इफ अंडर इन्फ्लेशन इट कैन लीड टू एस्पिरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, ओवर इन्फ्लेशन कैन लीड टू ट्रेकियल इंजरी, अल्सरेशन लीडिंग टू स्टेनोसिस। दोस्तों यदि अगर ज्यादा इन्फ्लेशन कर दिया जाए तो ट्रेकियल इंजरी हो सकती है और इसके कारण अल्सरेशन भी हो सकते हैं। क्लीन द माउथ, गम और टीथ अपोजिट ईटी ट्यूब विद द 5 ml ऑफ 0.12% ऑफ क्लोरहेक्सिडिन। याद रखिए दोस्तों, ओरल केयर के लिए या माउथ केयर के लिए जिस क्लाइंट को ईटी ट्यूब लगा होता है कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो इसके लिए 5 ml ऑफ 0.12% क्लोरहेक्सिडिन यूज किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केयर बाय स्वैब एवरी 8 आवर। ईटी ट्यूब प्लेसमेंट वाले क्लाइंट को कितने समय में हमें केयर प्रोवाइड करना होता है, तो एवरी 8 आवर इसको केयर प्रोवाइड करना होता है। इफ क्लोरहेक्सिडिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अ टूथब्रश कैन बी यूज। यदि क्लोरहेक्सिडिन कॉन्ट्राइंडिकेट है तो फिर इसके लिए टूथब्रश भी यूज किया जा सकता है। रिमूव द डेंटल प्लेक ऑर्गेनिज्म, मेंटेन द ईटी ट्यूब कफ प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। दोस्तों ईटी ट्यूब के कफ का प्रेशर कितना मेंटेन करना होता है, तो कितना, 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O मेंटेन करना होगा। चेंज द वेंटिलेटर सर्किट एवरी 48 आवर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बैक्टीरिया विद इन द ट्यूबिंग कंडेंसेशन। दोस्तों वेंटिलेटर सर्किट को हमें हर 48 घंटे में चेंज करना होता है। ईटी ट्यूब यदि वेंटिलेटर से कनेक्टेड है तो हर 48 घंटे में वेंटिलेटर के सर्किट को, ट्यूब्स को चेंज करना होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। क्लियर? अरे क्या हो गया भाई, बात समझ गए, आगे बढ़ूं क्या? रिमूव द सब ग्लोटल सिक्रेशन एवरी 4 to 6 आवर। अब आपसे कहा जाए सब ग्लोटल सिक्रेशंस को कितने समय में रिमूव करना होता है, हर 4 से 6 घंटे में। एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्डर इन प्लेस विद द पिलॉट बलून, एक्सेसिबल और वेलक्रो स्ट्रिप सिक्योर्ड। ये जो इमेज है दोस्तों, इस इमेज बेस को भी आप याद रखिएगा। ये इसमें इमेज बेस के अंदर वेलक्रो स्ट्रिप की मदद से एंडोट्रेकियल ट्यूब को फिक्स किया हुआ है। नाउ द ट्यूब अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स। अब हमें जानना होगा दोस्तों कुछ दुर्घटनाएं, कि जब, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बिकॉज वी आर द नर्सिंग ऑफिसर, हम नर्सिंग ऑफिसर हैं और जब हम वार्ड में वर्क करेंगे तो ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, घबराना मत, मैं सिखा रहा हूं कि क्या करना होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशन से जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है पेशेंट इज एक्सीडेंशियली एक्सटूबेटेड। तो पहली कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट इस ट्यूब को हटा ही दे, रिमूव ही कर दे, एक्सीडेंटली निकाल दे। तो इस कंडीशन में रिलेटेड इंटरवेंशन क्या करना है आपको, रिमेन विद द पेशेंट वाइल कॉलिंग फॉर द असिस्टेंट। तो जब कभी भी पेशेंट आपको बुलाए तो उस कंडीशन में आपको असिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहना है। वेंटिलेट विद द बैग वॉल मास्क एज नीडेड। जब जरूरत पड़े तो बैग वॉल मास्क की मदद से इसको वेंटिलेट करना है। अस्टिन
देन असेस द पेशेंट फॉर एयरवे पेटेंसी, एयरवे पेटेंसी के लिए चेक करें स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और वाइटल साइन, देन प्रिपेयर फॉर द री इंट्यूबेशन. अंडरस्टैंड गाइस, यदि अगर पेशेंट एक्सीडेंटली एक्सट्यूबेट कर दे तो क्या करें? तो एक तो आपको क्या करना, रिमेन विद द पेशेंट वाइल कॉलिंग फॉर असिस्टेंट, वेंटिलेट विद द बैग वॉल मास्क, बैग वॉल मास्क के माध्यम से, एम्बू बैग के माध्यम से वेंटिलेट करें, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करें, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और वाइटल साइन चेक करें, और वापस री इंट्यूबेशन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है. दूसरा, एक्सीडेंटली क्या हो सकता है, ईटी ट्यूब मूव्स इन द एयरवे. यदि ईटी ट्यूब एयरवे में चला जाए तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में रिलेटेड इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला, रिपीट द टेपिंग और सिक्योरिंग प्रोसीजर इन वेरी एक्टिव पेशेंट विदाउट फेसियल इंजरी who are at risk for the self extubation, consider applying the second piece of the tape around the back of head. So, यदि अगर ऐसा लगता है कि ET tube moves in the airway, then दो टैप से आपको इसको secure करना होगा. Clear? Then third condition हो सकती है, patient has unequal breath sounds. अभी मैंने question करवाया था आपको starting में, एक वो यहीं से था कि unequal breath sounds यदि अगर आ रहे हैं तो फिर क्या करना है? तो evaluate the ET tube for proper depth before and after tube care. If it is deeper or shallower, notify the SCP. यदि अगर breath sounds unequal हैं, तो then in this condition we need to notify SCP. SCP order करें तो chest X-ray perform करें और suction the patient. Understand guys? ऐसे case में. Number four situation क्या हो सकती है? तो air escape around the tube. दोस्तों चौथी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ट्यूब लगा हुआ है लेकिन फिर भी एयर आसपास से बाहर आ रहा है, यानी ट्यूब से ही एयर पास होना चाहिए क्योंकि कफ से आपने पूरे ट्रेकिया को बंद कर रखा है. अब इसके बाद यदि अगर एयर आसपास से रिलीज हो रहा है, लीकेज हो रहा है नोज से या माउथ से, तो फिर क्या करना है? तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है जब हम वर्क करेंगे, तो हमें पता चलेगा जब हम क्लिनिकल में जाएंगे, तो ये सब चीजें हम देखेंगे रोज. ऐसा कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है. तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग सेक्शन इन दिस लेक्चर. अंडरस्टैंड गाइस, बिकॉज यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर, तो जस्ट वेरीफाई द पोजिशन ऑफ द ट्यूब और चेक फॉर द प्रॉपर कफ इन्फ्लेशन और इन्फॉर्म द एससीपी. यदि अगर क्या हो रहा हो, एयर एस्केप अराउंड द ट्यूब, ट्यूब के आसपास से एयर एस्केप हो रहा हो, तो वेरीफाई द पोजिशन ऑफ ट्यूब. सबसे पहले तो ट्यूब का पोजिशन वेरीफाई करेंगे, देन फिर चेक करना है प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ द कफ, और देन उसके बाद इन्फॉर्म द एससीपी. तो यू नीड टू डू थ्री इंटरवेंशन इन दिस केस. और लास्ट कंडीशन होगी, पेशेंट हैज प्रेशर सोर फ्रॉम द ट्यूब. यदि ट्यूब की वजह से पेशेंट को प्रेशर सोर हो गए हो, ट्यूब कहीं कंटिन्यूसली लगा रहता है और उससे माउथ छिल जाता है, तो ऐसा हो जाए तो इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूब केयर, ट्यूब केयर का फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिएगा. देन अप्लाई द एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट और मॉनिटर फॉर द इन्फेक्शन. क्लियर? तो ये था दोस्तों आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इस लेक्चर के माध्यम से कोशिश करी है कि पूरा ईटी ट्यूब प्लेसमेंट आपको सही से समझ में आ गया होगा. अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच दोस्तों. जिसने बुक लिया अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको उसी के माध्यम से मिलेगा. नर्सिस वर्ल्ड पे यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो मेजर टेस्ट आपको दिए जाएंगे वो नर्सिस वर्ल्ड से अवेलेबल करवाएंगे. कल आपका होगा मेजर नंबर 4. तीन मेजर मैं ले चुका हूँ, चौथा नंबर का जो मेजर होगा आपका वो कल होगा. टाइमिंग वही रहेगी, सुबह मॉर्निंग 8 to 10 o'clock. आज आपके दोनों टेस्ट आपकी एप्लीकेशन पर अपडेट हो जाएंगे. पहला टेस्ट अपडेट हो जाएगा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन वाला, और दूसरा टेस्ट आपका शाम तक अपडेट हो जाएगा मेजर नंबर 4. तैयार रहिए. दोनों टेस्ट जो पिछले हैं उन दोनों टेस्ट के रिजल्ट आपको आपके एप्लीकेशन में दे दिए गए हैं. आप अपनी ऐप चेक करिए, अपनी प्रोफाइल चेक करिए. अंडरस्टैंड गाइस, वहां पर चैट सेक्शन चेक करिए या फिर स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन चेक करिए, आपको वहां से अपने टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.